नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने बालाघाट जिले में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आगामी 15 जून तक के लिए जिले में समस्त प्रकार के वैवाहिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस अवधि के दौरान केवल अपर कलेक्टर न्यायालय में विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत होने वाले विवाह की अनुमति रहेगी। बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 6 है और उनमें लगातार सुधार हो रहा है। जिले में प्रवासियों की बड़ी संख्या में वापसी हुई है और अब ये भी जारी है। हालांकि सावधानी और जिम्मेदारी का निर्वहन कर कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। प्रशासन के भरोसे सब कुछ नियंत्रित हो जाए संभव नहीं है। इसी क्रम में कलेक्टर आर्य ने कहा कि अब आम लोगों से लेकर हम सभी को कोरोना से लड़ने और उसके साथ जीने की आदत बनानी होगी। जिले में कोरोना टेस्ट के लिए अब तक कुल 464 लोगों के सैंपल लेकर ICMR लैब जबलपुर भेजे गए हैं। इसका पालन भी बड़े अच्छे स्तर पर किया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोगों के अंदर जागरूकता बहुत ही लोगों ने व्यक्त किया, सबने ग्रामवासियों ने काफी अच्छे से किया। बालाघाट जिला एक वन आंशित जिला होने के साथ साथ आदिवासी बाहुल क्षेत्र भी है, जहां पर दक्षिण बैहर के आसपास के ग्रामों में बैगा जनजाति निवासरत है, लेकिन इन्हें अभी शासन की किसी भी योजना का लाभ मिलने की बजाय उन्हें वंचित रखा गया है। जबकि सरकार से बैगाओं के नाम पर करोड़ों रुपए का आवंटन आने के बाद भी शासकीय अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव चांदी काट रहे हैं। इसी तरह का एक मामला जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत छपरवाही के ग्राम टंटिया टोली में इन दिनों बैगा जनजाति अपने आवास को तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरा जीरोबाई हुई के नाम मिला? नहीं मिला है जी, मेरा हमको कुछ भी नहीं मिला है। हमारा घर तो पूरा झोपड़ा पट्टा है और वो पूरा जेली बिली भी उड़ जाता है। तो हम लोग बोलते हैं सचिव सरपंच को, तो हमको कोई लाभ नहीं देता। अच्छा। ना हमारा राशन कार्ड भी नहीं है, ना हमको राशन भी नहीं मिलता। और बोलने भी जाते हैं तो बोलते हैं कि राशन कार्ड बनाने के लिए हम इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए। हमारे पास गरीब के पास कहाँ से पैसा आएंगे? हम बच्चे को पालेंगे कि राशन कार्ड के लिए पैसे देंगे? और वो जाटू डॉक्टर बोलता है कि नहीं, यहाँ से मेरा जमीन है, मैंने यहाँ घर उठाऊंगा, ऐसा वैसा करके बोलता है। और वो डॉक्टर उठाएगा तो हमारे पास रहेगा क्या? जी समस्या यही है कि हमारे जो साथी भाई बहनों हैं उन लोग को जमीन नहीं मिल रहा है मकान बनाने के लिए। जब जमीन के लिए हमने आज कहने चाहिए मीटिंग रखे थे, तो मीटिंग के दौरान डॉक्टर जी को भी बुलाया गया जिन्हें जमीन हथिया के रखे हैं। तो उनको बोले, उन्हें वो बोलते हैं कि वो हमारे जवाई को ये जो जगह है हम जवाई को देंगे। सर मैं इसका रीजन बता देता हूँ कि 2011-12 में जो सर्वे हुआ था आर्थिक सामाजिक के तहत, वो जो सूची जो आई 245 नामों की, उसको हमने लिखवा दिया है सामने सूचना पटल पर। और वो नाम के आधार पर मकान मिलने का है सर, नाम के आधार पे जैसे वहाँ नाम आया है उस डाटे में, वही हितग्राही को मकान देने का है, PMID के तहत देने का है। तो उसमें वो परिवार छूटे हैं, बाकी हम उनको ले लेते लेकिन छूटे हैं। पहले आदिवासी परिवार में और आरोप लगाया है सरपंच और सचिव पर, आरोप लगाया है? नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं सर, ये जो लिया किसी कारण से वो ये बोलते होंगे, लेकिन हमने किसी डिमांड नहीं रखा, ना सरपंच साहब रखे ना सचिव साहब। आप अभी पूछ ले किसी को, हमने कभी ना किसी को पैसा भी नहीं मांगा, क्यों मांगे उनसे? हम जैसे भी हम हमारे पास जो भी जैसे परिस्थितियां आ जाती है पैसा के संदर्भ में, हम किसी को उधार मांगते लेकिन हम इधरे कर बड़ा पैसा लेते। शहरों में भारी वाहनों की आवाजाही को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा आंबेडकर चौक से जागपुर घाट तक बायपास मार्ग शुरू किया गया था, जिस जगह से शहर में प्रवेश करने वाले भारी ओवरलोड वाहनों की आवाजाही होती रहे। लेकिन आज स्थिति आ गई है कि कम ही दिनों में प्रशासन के द्वारा बायपास मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने के कारण स्थानीय वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके विरोध में मंगलवार को आक्रोशित वार्डवासियों ने वाहनों को रोककर चक्का जाम लगातार विरोध जताया और प्रशासन के समक्ष शीघ्र मार्ग की मरम्मत कराने की मांग की। ये मांग हमारी थी, हमने प्रशासन को इसके पहले अवगत करा दी थी, एक सप्ताह पहले अवगत करा दिया था कि हमारे मोहल्ले में जो बड़े बड़े वाहन जो चल रहे हैं 18 चक्के 20 चक्के 2 महीने 3 महीने से चल रहे हैं, इसको पहले रोड को थोड़ा अच्छी बना लिया जाए, उसके बाद चलाया जाए। चलाने में हमको तकलीफ नहीं, मगर रोड को बनाना जरूरी है। अब बिना रोड के वाहन चल रहे हैं और गुब्बारे बड़े बड़े गुब्बारे उड़ करके मोहल्ले में जो जितने भी रहवासी लोग हैं उनका जीना जरूर हो गया। क्या परेशानी ये देख रहे हैं आप, धूल का गुब्बारा, आप इसकी फोटो खींचिए पहले, पूरा धूल उड़ रहा है, 18 चक्के 20 चक्के जा रहे हैं और इतने जो रोड बना ही नहीं है और इसके ऊपर से इतने लोडेड वाहन चलाए जा रहे हैं, इतनी अधिक क्षमता, जितने क्षमता का वाहन नहीं है यानी रोड नहीं है उससे अधिक क्षमता के मतलब वाहन चलाए जा रहे हैं।
उकवा पुलिस चौकी के नवागत चौकी प्रभारी पंकज तिवारी ने पदभार संभालने के बाद सड़क पर चालानी कार्रवाई करते हुए उतर गए। बताया गया कि जो लोग लॉकडाउन और नियमों का पालन नहीं कर बगैर मास्क और हेलमेट के तीन तीन सवारी बेवजह घूम रहे थे, ऐसे लोगों पर चालान काट कर और समझाइश दी जा रही है ताकि आगे से सभी नियमों का पालन हो। जो बिना मास्क के घूम रहे हैं और 6 बजे के बाद मार्केट से फालतू निकलना बंद है, जो फालतू घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ग्रामीण थाना क्षेत्र नवेगांव के अंतर्गत ग्राम मदगरदा स्थित माडगढ़ पहाड़ी के समीप जंगली जानवर का शिकार करने के लिए बिछाए गए विद्युत तार के करंट की चपेट में आ जाने की वजह से 2 युवकों की मौत हो गई। घटना पर पुलिस पहुंचकर जांच कर रही है। इस संबंध में बताया गया है कि मगदर्रा स्थित माडवगढ़ की पहाड़ी के समीप कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा जंगली जानवर का शिकार करने के लिए विद्युत करंट लाइन बिछाई गई थी, जिसमें उनके शिकारियों में से एक शिकारी रामचरण पिता धुरन पंजेश्वर मराल को विद्युत करंट लग गया। इस बीच सुंदरलाल जो मछली मारने गया हुआ था वह भी विद्युत करंट की चपेट में आ गया, जिससे दोनों युवक की मौत हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।